दिलचस्प और गजब जानकारी के वीडियोस रोजाना देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप आने वाले नए वीडियोस मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल अमेजिंग ज्ञान में। दोस्तों, हम जब भी गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि गांव के नाम के बाद बुद्रुक और खुर्द लगाया जाता है। कुछ गांव के नाम के बाद बुद्रुक होता है, कुछ गांव के नाम के बाद खुर्द होता है। हालांकि सभी गांव के नाम के बाद ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाते, लेकिन कुछ छोटे मोटे गाँव होते हैं वहाँ पर खुर्द और बुद्रुक यह शब्द देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि उनका मतलब क्या होता है, क्यों गांव के नाम के बाद बुद्रुक और खुर्द लगाया जाता है? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो छोटे मोटे गांव है उन गांव के नाम के बाद बुद्रुक और खुर्द इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उनका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब ज्यादातर आप महाराष्ट्र में जाओगे और महाराष्ट्र में जब आप छोटे मोटे गाँव में जाते हो तो आपके शब्द देखने को मिलते हैं। ज्यादातर महाराष्ट्र में ही ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों देखिए, हालांकि सभी गांव के नाम के बाद ये शब्द नहीं होते हैं। आपको एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे गांव है जहाँ पर खुर्द और बुद्रुक इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिरोली नाम के गांव है। ओके, तो एक गांव शिरोली खुर्द से जाना जाता है और दूसरा गाँव शिरोली बुद्रुक नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, सांगली डिस्ट्रिक्ट में भी ऐतोड़े खुर्द है और ऐतोड़े बुद्रुक भी है। दोस्तों देखिए, कुछ गाँव के बीच में नदी, छोटा सा पानी का स्ट्रीम, नाला या रास्ता जाने से क्या होता है कि वह गांव दो भागों में बांटा जाता है और वही दोनों गांव सेम नाम से बुद्रुक और खुर्द नाम से जाने जाते हैं। एक गांव को खुर्द लगाया जाता है और दूसरे गांव को बुद्रुक लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे भारत में पुराने जमानों से बहुत सारे भाषाओं का प्रभाव रहा है, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है और उनमें से पारसियन लैंग्वेज भी है। और दोस्तों, ये जो बुद्रुक है और खुर्द है, ये दोनों भी शब्द पारसियन लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे कि दोस्तों, बुद्रुक का मतलब क्या होता है? तो बुद्रुक का मतलब होता है कि बुजुर्ग। ये पारसियन लैंग्वेज में उसका मतलब होता है कि बुजुर्ग, और बुजुर्ग क्या है तो बड़ा होता है, यानी कि बुद्रुक का मतलब बड़ा होता है। और खुर्द का मतलब क्या होता है कि छोटा, उसका संस्कृत में अर्थ होता है शूद्र, राइट। तो दोस्तों, बुद्रुक का मतलब बड़ा होता है और खुर्द का मतलब छोटा होता है। जो गांव बड़ा होगा उसको बुद्रुक लगाया जाता है, जो गांव छोटा होगा उसको खुर्द लगाया जाता है। वही सेम नाम से गांव बुद्रुक और खुर्द से अलग अलग किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप कभी कभार महाराष्ट्र में छोटे मोटे गांव में घूमने को जाते हो तो दोस्तों ये जरूर आप देखोगे कि वहां पर बुद्रुक लिखा होगा और कहीं पर खुर्द भी लिखा होगा। तो आप पहचानोगे यार, खुर्द से ये गाँव बड़ा है या छोटा है, और बुद्रुक से भी पहचानोगे ये गाँव बड़ा है या छोटा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि वैसे नए नए नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए रोज आने कराता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।